नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। जी हाँ, आज हमारी खास वीडियो है नवरात्रि के उन खास 9 नियम के बारे में, और नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें चैत और शारदीय नवरात्रि सबसे खास होती हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। भक्त नवरात्रि से पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। 9 दिन चलने वाले इस त्योहार में ना सिर्फ भक्त उपवास रखते हैं, बल्कि खास प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इन दिनों में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। माँ के सभी स्वरूपों की करें पूजा। नवरात्रि के 9 दिन जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ और ताजे कपड़े पहनें। इसके बाद लक्ष्मी स्रोत का पाठ और पूजा करें। दुर्गा सप्तशती और देवी माँ को समर्पित मंत्रों का पाठ करें। तो इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की प्रार्थना करें। अब जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कलश की स्थापना करें और देवी का पूजन करें। साथ ही 9 देवियों को दिनों के अनुसार से ही भोग लगाएं, पुष्प मंत्र उच्चारण करें। इस दौरान तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की माला का जाप करना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और जाले भी निकाल लें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है माता रानी वहाँ वास नहीं करेंगी। दोस्तों, इन बातों का रखें ध्यान। अगर व्रत नहीं रखा है तो भक्तों को ब्रह्मचर्य बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन ही करें, शराब नॉनवेज का सेवन ना करें। साथ ही प्याज लहसुन और अन्य तामसिक चीजें भी ना खाएं। सेंधा नमक का प्रयोग करें। नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दौरान माता धरती पर भ्रमण करती है। किसी भी गरीब या फिर किसी ब्राह्मण का अपमान ना करें, बल्कि उन्हें दान दें, इससे माता प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की पुरानी या खंडित मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले शुभ कामों के बारे में। विष्णु पुराण के मुताबिक इन 9 दिनों में शादी या शुभ कामकाज, सोना, कपड़े खरीदना, नए कार्य की शुरुआत या निवेश करना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के पर्व में ना करें किसी का अपमान। नवरात्रि के पर्व में किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए, तथा महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना चाहिए। अखंड दीपक को ना बुझाएं, साथ ही लगातार 9 दिन तक दीपक में तेल डालते रहें। वहीं घट संतापना और अखंडित जोत जलाई है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस समय देवी माँ अतिथि की तरह घर आती है, ऐसे में उन्हें अकेले छोड़कर जाने से माँ नाराज हो जाती है। 16 श्रृंगार करना। माँ दुर्गा को चोला, फूलों की माला, हार और नए कपड़े पहनाकर 16 श्रृंगार करें। वहीं इन दिनों में महिलाओं को भी अच्छी तरह से तैयार होकर रहना चाहिए। ऐसा करना घर परिवार के लिए शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।